एक आंकड़ा रखूंगा, पूरे देश को उस आंकड़े को देखना चाहिए। बहुत गंभीर आंकड़ा है वो, आंकड़ा पूरे देश को देखना चाहिए और बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा। ये आप जो आंकड़ा देख रहे हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस आंकड़े के मुताबिक इस बात को समझिएगा, दुनिया के एक चौथाई कुपोषित भारत में है, ये रिपोर्ट ये बताती है। ये हालात तब है जब भारत में दूध, सब्जी, दाल और फलों के उत्पादन हम टॉप पर है। मैं इसीलिए इस विषय को लेकर आया था पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं इसलिए, कुपोषण की रिपोर्ट कहती है 2021 में दुनिया में 76 करोड़ 80 लाख लोग कुपोषित हैं। कितने? 76 करोड़ 80 लाख लोग कुपोषित हैं। भारत में इनकी संख्या 76 करोड़ 80 लाख है और उनमें से 22 करोड़ 40 लाख सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, यानी कि 29%। मैं इसलिए इस खबर को लेकर आया। प्लीज एके मिश्रा जी, पहले त्यागी जी। चावला भाई, ऐसा है, मिश्रा जी बहुत ही सीनियर राजनीतिक विश्लेषक है, जो कहेंगे मैं उनकी बातों से, तथ्यों से सहमत होऊंगा। नहीं, आप उन तो मिश्रा जी को यह मौका दिया जाए, उन पे टोपी ट्रांसफर मत करिए, मुझे जी ट्रांसफर नहीं कर रहा, क्योंकि मिश्रा जी ने पहले गलत बात यस किया था, तो मैं उनका सम्मान कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है त्यागी जी, क्या यह गंभीर है विषय की नहीं? वो भी तब जब दुनिया में सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादन देशों में से हम एक हैं। क्या कुपोषण की वजह केवल खाद्यान्न की नहीं हो सकती है? ये कहां लिखा है आप मुझे बताइए। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। क्या कुपोषण की, क्या खाद्यान्न की कमी से ही होता है? खाद्यान्न की कमी से कुपोषण नहीं होता, बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ खाद्यान्न के भंडार में 15 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं हम, यह भी झूठ है। इस साल जो हमारे पास अनाज है वो है 311,42,000 टन, ये 2008 के बाद सबसे कम है। पिछले साल था 602,91,000 टन, यानी आधे से भी कम। ये आंकड़ा जून का है, क्या यह चिंता की बात है कि नहीं? इसमें कोई चिंता का विषय नहीं। विपक्ष का क्या है? विपक्ष तो सांप की भी रस्सी बनाता है और रस्सी का भी सांप बना देता है। विपक्षियों की बातों पर तो मैं जाता ही नहीं। आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, मैं आप ही के तथ्यों के आधार पर यह बूझ रहा हूं कि ये माइनस में होता तो चिंता का विषय होता, प्लस में है ना? प्लस में है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। 10 राज्यों में गेहूं के आवंटन में 40% की कटौती की गई, क्यों? अगर आप ही के मुताबिक अगर अनाज की कमी नहीं है तो 10 राज्यों में गेहूं के आवंटन में 40% की कटौती की जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जो आपके अपने राज्य हैं और वो उन्हीं राज्यों के मंत्री पीयूष गोयल जी को चिट्ठी लिखते हैं, मौखिक रूप से कहते हैं कि 3.5 किलो गेहूं गुजरात में दिया जाता है और 1.5 किलो चावल दिया जाता है, उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और अब हम 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं पर आ जाते हैं, यानी कि चावल की खपत है नहीं, हम चावल पर आ जाते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो आप खुद आते हैं, वहां पर चावल कौन खाता है? ये वहां पर आपके मंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आपने कटौती क्यों की? कमी तो है नहीं। देखिए ऐसा है चावला भाई, इसमें समझना होगा कि पिछले 2020 और 2021 में देश एक महामारी से गुजरा है। पैदावार हुई, खरीद फिर भी, रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद खरीद फिर भी 56% कम हुई, 187,79,000 टन खरीदी हुई। पिछले साल कितनी हुई थी? 433,00,000 टन की खरीदी। सवाल मेरा यह कि प्रोडक्शन जब ज्यादा हुई तो फिर खरीदी कम सरकार ने क्यों की? अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो खरीदी भी ज्यादा होनी चाहिए थी त्यागी जी, मैं गलत तो नहीं हूं ना? देखिए मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, हमारे यहां बिल्कुल परंपरा है, हम 2.5 से 3-3 बड़ी बड़ी टंकियां, 4-4 बड़ी टंकियां हम भर करके स्टॉक रखते हैं। ये आप केवल सरकारी डाटा पर बात कर रहे हैं, देश के अंदर जो भारत सरकारी डाटा पर बात नहीं करनी चाहिए, कीजिए सरकारी डाटा पे बात नहीं सरकारी डेटा
वो कमी राकेश टिकैत और आंदोलनकारी किसानों के कारण आई है। एक साल खेती छोड़ के बैठे रहे ये लोग। एक साल अगर किसानी की होती इन लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया होता और ये सारे किसानों को खेतों में रहते तो ये कमी नहीं होती। तथा कथित किसान आंदोलन में जो कांग्रेस था उसमें भी लंगर चल रहे थे, पिज्जा ये सब चल रहा था पूरे देश में। आपने कहा त्यागी जी कि ये पिज्जा खा रहे थे वहां किसान आंदोलन में, तो क्या किसान पिज्जा नहीं खा सकते? किसान पिज्जा क्यों नहीं खा सकते, लेकिन वो किसान तो हो। अच्छा, किसान नहीं थे, तथाकथित किसान थे। तथाकथित किसान ही नहीं थे तो ये तथाकथित किसानों के दबाव में देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी? प्रधानमंत्री जी ने केवल ये कहा था कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया, और उस कुछ में कौन थे? उस कुछ में देशद्रोही ताकतें, उसमें कांग्रेस पार्टी, वामपंथी विपक्ष और सत्ता के भूखे भेड़िए थे। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री कुछ असामाजिक तत्वों के दबाव में आकर माफी मांगते हैं, आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात गलत। आपसे जानना चाह रहा था, ये जो 700 किसानों की शहादत का जिक्र है फिर ये भी झूठ है? 3000 रुपए प्रति ट्रैक्टर लेकर के डीजल के और शाम की दारू का इंतजाम कर के आ रहे थे, उनका रखे हम आधिकारिक डाटा या पंजाब के नक्सलियों का रखे आपने? आपने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, 19 नवंबर की तारीख थी जी। और 29 नवंबर को आपने बकायदा संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए संसद के भीतर इन कानून को वापसी लेने का ऐलान किया। तब आपने एक वादा किया था, वो वादा था कि आप एमएसपी की कमेटी गठित करेंगे और किसानों को एमएसपी दिलवाने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। वो कमेटी गठित हो गई जी। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी पिछले ही महीने हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी 17 फसलों की एमएसपी 100 रुपए से लेकर 523 रुपए तक बढ़ाने का काम किया। कमेटी कहां है? रही बात एमएसपी की, कमेटी एमएसपी को लेकर कमेटी कहां है? मैंने अभी आपको बताया ना चावला भाई के, अभी पिछले महीने ही 17 फसलों की एमएसपी